मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं वेरियस टॉपिक्स। और जैसा कि हम कंटिन्यू चल रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग्स के सेशंस पे, आज मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन से किस तरह से हम कनेक्ट हो सकते हैं, किस तरह से अमेज़ॉन की एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए हम अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह से उसका प्रमोशंस होते हैं और किस तरह से हम उसके अंदर से कोडिंग्स वगैरह जनरेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा बताने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले अपन ब्राउज़र खोलते हैं। ब्राउज़र खोल के हम जाएंगे गूगल पे। गूगल पर आकर हम लिखेंगे एफिलिएट स्पेस अमेज़ॉन। तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा affiliate/program.amazon.in। ये उसका लिंक है जहाँ से हम लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन। तो ये जो पेज खुला है इसमें किस तरह से ये काम करता है, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। पहला है ज्वाइन। ज्वाइन करने के लिए ये कम्प्लीटली फ्री है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता। जैसे कि हमने फ्लिपकार्ट का वीडियो देखा था, उसमें भी कोई पैसा नहीं लगता है रजिस्ट्रेशन का, उसी तरह यहाँ पर भी कोई पैसा ज्वाइनिंग का नहीं लगता है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे लॉगिन करने के बाद हमें इनके प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना है, प्रमोट करना है। थर्ड है कि हम जब प्रमोट करेंगे उसके थ्रू जितना भी कन्वर्जन होगा, जितनी भी बाइंग होगी, उस पे हमें अप टू 12% मिलेगा अर्निंग। और डिपेंड करता है, वो वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कि वो कितना, किस प्रोडक्ट पे कितना कमीशन है। तो ज्वाइन करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। ये लिखा हुआ है ज्वाइन नाउ फॉर फ्री, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आपसे कुछ डिटेल मांगता है। ये तो डिटेल देख लेते हैं। यहाँ आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी, नीचे आपको सेलेक्ट करना होता है आई एम अ न्यू कस्टमर। तो आई एम अ न्यू कस्टमर पे हम क्लिक करके ऊपर अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं। और साइन इन यूजिंग सिक्योर सर्वर पे क्लिक करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए ये आपसे आपका नाम पूछ रहा है। नाम के बाद आपकी ईमेल आईडी, ऑटोमेटिकली आपने वहां जो की थी उसी ईमेल आईडी को आपको वापस रीटाइप करना है। और उसके बाद आपका पासवर्ड, आपके लॉगिन का पासवर्ड क्या होना चाहिए वो आपको दो बार टाइप करना है और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अमेज़ॉन से हमें एक हमारे इसी ईमेल आईडी पे जो हमने एंटर की थी उस ईमेल आईडी पे एक लिंक आएगा कंफर्मेशन के लिए। उस कंफर्मेशन लिंक पे हमें जब क्लिक करना है तो क्लिक करके आपको वेरीफाई करना है कि आपने जो ईमेल आईडी दिया है वो कम्प्लीटली वैलिड है। तो उसके बाद आपको लॉगिन करना है यहाँ पे। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मेरा पासवर्ड डालता हूँ और लॉगिन पे साइन इन पे क्लिक करता हूँ। तो साइन इन पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम करेंगे तो ये हमारे सामने डैशबोर्ड आ गया है। तो ये सारे कुछ आपको हाइलाइट्स करके देगा कि आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप सेट करने होते हैं आपको। तो जैसे यहाँ पे अकाउंट सेटिंग्स, ट्रैकिंग आईडीज एंड साइन आउट, चेंज कंट्री, न्यू नेविगेशन बार, फिर यहाँ पे अर्निंग्स एंड क्लिक्स ड्यूरिंग लास्ट 30 डेज। तो यहाँ पे क्लिक ऑर्डर एंड अर्निंग फॉर करंट कैलेंडर मंथ। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये जो सेक्शन देख रहे हैं, इस सेक्शन में हमें हमारे पिछले 30 दिन की अर्निंग्स प्लस हमारे थ्रू कितने क्लिक हुए हैं,
वो हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। और ये जो सेक्शन है ये है समरी फॉर दी मंथ। अब पिछले 30 दिन में हमें कितनी आइटम हमारे थ्रू, जो हमने लिंक इनकी एडवर्टाइजमेंट किए हैं उसके थ्रू कितने प्रोडक्ट बिके हैं और हमारी कितना कमीशन बना है और कितने आइटम टोटल ऑर्डर हुए थे और कितना कन्वर्जन रेशियो रहा है। जो हमने प्रमोट किया है, सपोज़ हमने 2000 को किया है तो 2000 में से अगर 10 ने ख़रीदा है तो उस हिसाब से ये कन्वर्जन रेशियो यहाँ पे दिखाता है हमें। और हम पूरी फुल व्यू रिपोर्ट भी देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, अकाउंट सेटिंग्स में और क्या क्या हमें करना होता है। स्टार्टिंग में जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हमें यहाँ पे जाकर हमें जाना है अकाउंट सेटिंग पे। ये अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन है, पेज है, यहाँ पे हम अपना चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, मैनेज यूज़र अकाउंट टू सेलेक्ट प्राइमरी ईमेल एड्रेस, एडिट योर वेबसाइट मोबाइल ऐप लिस्ट, एडिट योर वेबसाइट इंफॉर्मेशन, मैनेज योर ट्रैकिंग आईडी, एसोसिएट साइट स्क्रिप्ट ऑप्शन, और यहाँ पे पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन में चेंज योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, चेंज योर पेमेंट मेथड और व्यू योर पेमेंट प्लान और व्यू पेमेंट हिस्ट्री। ये सारी डिटेल्स हैं जो हम हमारे अकॉर्डिंग जो भी हमारे नेसेसरी है आप एक एक पे क्लिक करके चेंज चेक करके देख सकते हैं कि आपका कहाँ पर क्या सेट करना है, अकॉर्डिंगली आप उसको सेट कर सकते हैं। तो ये है पेमेंट हिस्ट्री। तो पेमेंट हिस्ट्री में अगर हम क्लिक करते हैं, अभी ये पिछले जितने भी कौन सी तारीख को क्या ट्रांजैक्शन हुआ था, कितना अमाउंट हुआ था और क्या बैलेंस है, और यहाँ पे ऊपर दिखाएगा कि कितना अनपेड बैलेंस है। ये अकाउंट में मैं काम नहीं करता हूँ, ये मैंने एक सैंपल के तौर पे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए अकाउंट को ओपन किया है, इसलिए मैं इसमें वर्किंग करता नहीं हूँ। फिर भी अगर मैं आपको दिखा दूँ, अगर होम पे हम क्लिक करते हैं, ये जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी ऑलरेडी क्लिक हो रहे हैं, राइट। यहाँ 6 क्लिक हुए हैं और यहाँ पे 15 दिसंबर को 5 क्लिक हुए हैं, 1 क्लिक हुआ है। तो अगर हम प्रमोट करते हैं और हमारे पास यूनिक यूज़र्स हैं जहाँ पे हम इसका प्रमोशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं तो क्लिकिंग ज़रूर मिलेगी और कन्वर्शन भी होगा। अब इसको किस तरह से हम प्रमोट करते हैं, यहाँ है प्रोडक्ट एंड लिंकिंग। जैसा कि मैंने फ्लिपकार्ट में बताया था कि हम डायरेक्टली वहाँ से एक प्रोडक्ट का लिंक जनरेट कर सकते हैं पर और उसको हम दूसरे लिंक के थ्रू हम इसको प्रमोट कर सकते हैं, उसी तरह यहाँ पे प्रोडक्ट लिंक में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे कि हमें किस चीज़ का जनरेट करना। सपोज़ मैं मोबाइल का क्लिक कर लेता हूँ, मोबाइल सर्च करेंगे तो ये बहुत सारे नीचे मोबाइल आ गए हैं। तो सपोज़ कर लीजिए मुझे ये इसका इस वाले फ़ोन का अगर मुझे प्रमोशन करना है, राइट, तो मैं यहाँ पे करूँगा गेट लिंक पे। अब जैसे मैं गेट लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे एक कोडिंग मिलेगी। ये जो कोडिंग है ये मुझे अपनी वेबसाइट पे डालनी होगी ताकि मैं इसका प्रमोशन कर सकूँ। यहाँ पे डायरेक्टली हम जो लिंक है वो जनरेट नहीं करते हैं जिस तरह से फ्लिपकार्ट करता है, तो ये पूरा एक एडवर्टाइजमेंट की तरह बैनर आपको मिलते हैं तो जिसके थ्रू हमें उसको प्रमोशन करना पड़ता है। मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट ओनली पे जा गया तो ये देखिए ये टेक्स्ट का लिंक आ गया है, बन लिख के आ गया है, और अगर इस पे कोई क्लिक करेगा तो ये रीडायरेक्ट कर देगा। इसी तरह इमेज ओनली करेंगे तो यहाँ पे इमेज आ जाएगी और वो इमेज के थ्रू हम प्रमोट करेंगे। एड टू गैजेट, तो इस लिंक के थ्रू हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग स्लाइड शो बना सकते हैं। अभी इसमें इमेज दिखा नहीं रहा है तो अपन एक काम करते हैं, दूसरा कुछ प्रोडक्ट मैं करके आपको दिखाता हूँ। ये वाली बुक है, इसका हमें लिंक लेना है तो इस पर हम क्लिक करते हैं, राइट। वहाँ पे हमने सर्च किया था मोबाइल, तो मोबाइल का दिखा रहा था,
अब ये देखिए इमेज ओनली पे जाएंगे तो शायद वेबसाइट इनकी काम बराबर नहीं कर रही है इस वक्त, तो इसलिए इमेज नहीं दिखा पा रहा है। अदरवाइज यहाँ पे आपको इमेज दिखाई देती और ये पूरा स्लाइड शो मिलता, तो यहाँ से आप सेव एंड गेट कोड करते तो आपको ये स्क्रिप्ट बन गई है। तो ये स्क्रिप्ट आपको कॉपी करनी है और जहाँ पर भी आप उसका प्रमोशन करना चाहते हैं वहाँ आपको इस स्क्रिप्ट को डालना है और उनका बैनर ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। तो इसके बाद है ये प्रोडक्ट का, इसी तरह है आगे बैनर्स। अब बैनर्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए बैनर के साइज हैं 300x250, 728x90, 160x600, 300x600। ये यहाँ पे सैंपल के लिए दिखा भी रहा है कि किस तरह का बैनर होगा, क्या साइज होगा, और ये इसके कोड हैं जो हम प्रमोशन के लिए यूज करते हैं, राइट। ये इस तरह का पूरा बैनर है और इसका ये कोड है और ये इस तरह से पूरा सैंपल दिखा रखा है, इसके ये कोड्स हैं और ये एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट का पैनल है, बैनर है, जिसके साइज कोडिंग ये लिखी हुई है। तो ये कोड हमें यहाँ से जो भी हम साइज चाहते हैं, जैसा भी डिज़ाइन चाहते हैं बैनर का, हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है, इसको कॉपी करके अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं या दूसरे प्रोडक्ट हैं जैसे फेसबुक है, सोशल मीडिया है, उन पर हम इनका प्रमोशन कर सकते हैं। अब है लिंक टू एनी पेज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कोडिंग है अमेज़ॉन में। हमें करना क्या है, चूज़ अ प्रोडक्ट। अब हमें सपोज हम इलेक्ट्रॉनिक कर लेते हैं सेलेक्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक के हमें क्या करना है, मोबाइल एंड टैबलेट करना है, राइट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नेम योर लिंक। अब सपोज मोबाइल का हम लिख देते हैं न्यू मोबाइल लॉन्च, ये करके अगर हम गेट लिंक करेंगे तो हमें यहाँ पे लिंक जनरेट करके दे देगा। चलिए मैं एक लिंक जनरेट करके दिखाता हूँ, ये लिंक टू सर्च है, लिंक टू एनी पेज है, तो मैं यहाँ पे गेट लिंक करता हूँ। तो ये गेट लिंक पे क्लिक किया तो ये देखिए ये लिंक बन गया है न्यू मोबाइल लॉन्च। अगर मैं अभी इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे प्रीव्यू दिखा रहा है, तो ये देखिए ये सीधा रीडायरेक्ट होके इस पेज पे चला गया। तो ये अगर आप अमेज़न का एक कंप्लीट पेज को अगर आप लिंक करके अपने वेबसाइट के थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं, अपने सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं, तो इस तरह के लिंक भी आप जनरेट करवा सकते हो। इसी तरह आगे गैजेट्स हैं, गैजेट में जाके हम देखते हैं कि क्या है इसमें। तो ये हमारे सामने बिल्ट योर अमेज़न गैजेट, तो इस तो अपने अकॉर्डिंगली आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक मैं करके दिखाता हूँ, ये है ऐड टू योर वेब पेज। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने एक और पेज खुल जाएगा। तो जो हम कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट कैटेगरी, आई थिंक अमेज़न साइट इज़ नॉट परफेक्टली वर्किंग एज ऑफ नाउ, सो चलिए मैं आपको बता जरूर देता हूँ। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कैटेगरी, हमने कैटेगरी सर्च करनी है, डिफ़ॉल्ट सर्च अगर हम कुछ करना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हैं ऐसे ही। और यहाँ पे हम साइज़ है हमारे पास, तो हम जो भी साइज़ लेना चाहते हैं वो साइज़ हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। कौन सा कलर हमें लेना है वो कलर हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा भी हमें चाहिए हम वैसा कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये साइड पे हमें जो है इसके कोडिंग मिल रही है। अब यहाँ पे प्रीव्यू अभी अवेलेबल नहीं है इस वक्त, आई थिंक अमेज़ॉन की साइट पे कुछ काम चल रहा होगा, तो अदरवाइज़ यहाँ पे प्रीव्यू दिखता। तो ये एक सर्च है, जिस तरह का गूगल का सर्च हो वैसा ही सर्च ऑप्शन हमें हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरे सर्च नहीं होंगे, ओनली अमेज़ॉन के प्रोडक्ट सर्च किए जा सकेंगे। और जितने भी सर्च करके उस पर क्लिक करके लिंक जनरेट होंगे, जो ट्रैफिक डाइवर्ट होगा हमारे अमेज़ॉन हमारे आईडी के थ्रू, हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारी कोडिंग के थ्रू अमेज़ॉन पे, तो उसका हमें
अगर कोई उसमें से बाय करता है तो हमारा कमीशन बनेगा, और कितने क्लिक हुए, कितना सर्च हुआ है, वो भी हम हमारा डैशबोर्ड पे जाके मॉनिटर कर सकते हैं कि किस तरह से हम इस पे कितना ट्रैफिक जनरेट करवा पा रहे हैं। जितना ज़्यादा ट्रैफिक हमारा जनरेट होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट हमें होगा, उतना ज़्यादा हमारा कन्वर्शन रेशियो होगा, और जितना कन्वर्शन रेशियो अच्छा होता चला जाएगा उतना हमारी कमीशन, हमारी इनकम बढ़ती चली जाएगी। ये था अमेज़ॉन का मार्केटिंग, एफिलिएशन मार्केटिंग से किस तरह से हम अर्निंग करते हैं, किस तरह से इसके लिंक जनरेट होते हैं और किस तरह से हम उस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें।